महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्य अध्यक्ष माजी आमदार मुजफ्फर हुसैन साहब से निवेदन करता हूं कि अपना ख्याल रखें। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, ब्लॉक, जिला, प्रभाग, सेल, मंडल के सभी अध्यक्ष, स्वतंत्र दिन का इतिहास आप सभी लोगों को पता है और स्वतंत्र कितने मुश्किल और परेशानी से आपको हमको मिला है ये भी इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र को कायम रखना और देश एक आज़ादी की सांस ले सके और जिसमें सभी वर्ग के लोग, भाषा के लोग, प्रांत के लोग, समाज के लोग एक जैसा उनको न्याय मिल सके, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश की एक घटना बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस देश की सभी असेंबली, पार्लियामेंट, जुडिशरी, महानगर पालिका है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है और उसी आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अन्य सारे कोर्ट्स हो वो अपने फैसले सुनाती है। आज इस देश में बाबा साहब ने जो घटना बनाई थी उस घटना के विपरीत जाकर के बहुत सारे हादसे, बहुत सारे काम इस सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब बजट हुआ करता था तो पहले रेलवे का बजट अनाउंस होता था। इस सरकार के राज में आपने देखा होगा अब रेलवे का कोई बजट अनाउंस नहीं होता है, उसे अन्य सारे बजट के साथ मिला दिया गया। इकोनॉमी रोज नीचे गिरते जा रही है, बेरोजगारी रोज बढ़ रही है। अभी 6 महीने में मारुति ऑटोमोबाइल्स का सेल्स 36% का ड्रॉप हुआ है, अन्य सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का तकरीबन 15 से 20% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ड्रॉप है। रियल स्टेट इंडस्ट्री का अगर पूछा जाए तो कई ऐसे रियल स्टेट हाउसेस हैं जो हजारों हजारों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। रियल स्टेट के अंदर करोड़ों स्क्वायर फीट, सिर्फ अगर मुंबई की बात करें तो करोड़ों स्क्वायर फीट अनसोल्ड पड़े हुए हैं। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश के प्रोग्रेस का ग्राफ बताती है और जब वो इंडस्ट्री रुक जाती है और वो इंडस्ट्री इफेक्ट होती है तो 50,000 इंडस्ट्रीज जो उसके साथ है वो इफेक्ट होती है और जब 50,000 इंडस्ट्री इफेक्ट होती है तो बेरोजगारी निश्चित है। कल परसों के ही पेपरों में अगर आपने देखा होगा कि टाटा जो ताज होटल्स ओन करते हैं उन्होंने कितने सारी अपनी होटल्स बंद कर देने का फैसला किया है। लाखों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होते जा रही है, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बैंकों ने कर्जा देना बंद कर दिया है, बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लाखों लाखों करोड़ों के अंदर एनपीए हो चुकी है। मगर इस सरकार के पास इस इकोनॉमी के डाउनफॉल को रोकने के लिए, इससे जूझने के लिए इनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ना ही इनके बस की बात है और यही वजह है कि ये देश में लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं,
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लिंचिंग के केसेस इस देश में हो रहे हैं, ऐसे कई मसले ये उठा रहे हैं जिसकी वजह से देश के अंदर लोग जो है अफरा तफरी का एक माहौल बने, जाति जाति में वाद और विवाद खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर ही नहीं तो मुख्तलिफ जातियों में बिरादरियों में भी ये परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास बेरोजगारी का जो ग्रोथ इस देश का गिर रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो खराब हो रही है, इसके लिए इनके पास कोई उपाय योजना नहीं है। अब आप सोचिए, जिस देश के अंदर लोग लाखों करोड़ों लोग रोज बेरोजगार हो रहे हैं, वहां पे आदरणीय पंडित प्रधान बेरोजगारी पे चर्चा करने के बदले में मैन एंड वाइल्ड के ऊपर चर्चा करते हैं, मैन एंड वाइल्ड की शूटिंग करने जाते हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर एक आधा महाराष्ट्र पूरग्रस्त हो चुका है, जिसमें चार डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसमें मुंबई एमएमआरडीए रीजन भी आ गया, पुणे का आधा हिस्सा आ गया, सातारा सांगली कोल्हापुर, आज ये बाढ़ से पीड़ित है। 5 लाख लोगों को जो पेपर और टीवी पे न्यूज सुनाई देती है, स्थानांतर किया गया है। ये मसला कितना बड़ा है आप जरा समझिए, 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट पानी जहां भरा है, पहले वाले तक पानी भरा है, सांगली शहर तो पूरा डूबा हुआ है, आज भी वो पानी उतर रहा है मगर उतनी तेजी से नहीं उतर रहा है। कर्नाटका में 17 डिस्ट्रिक्ट पूरग्रस्त है, केरला में 6 डिस्ट्रिक्ट पूरग्रस्त है, पूरे देश में 9 स्टेट्स के अंदर बाढ़ की समस्या बनी हुई है, 9 स्टेट्स बाढ़ की समस्या बनी हुई है। महाराष्ट्र अकेले के अंदर अगर इसे इस पूरग्रस्त से निपटना है, जानवर मर गए हैं, फसल खराब हो गई है, फसल के लिए जमीन जब पानी उतरेगा वो खराब हो गई है, मरे हुए लाखों लाखों जानवरों को जो बॉडी को उसके डिस्पोज करना है उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लगने वाले हैं, लोगों को पीने के पानी की समस्या है, खाने की और अनाज की समस्या रहेगी, कपड़ों की और अन्य चीजों की समस्या रहेगी। और ये सरकार की सीरियसनेस देखिए महाराष्ट्र सरकार की, कि वो सिर्फ 6,400 करोड़ रुपए केंद्र से मांगते हैं, सिर्फ 6,400। उसमें आपको किसानों को पैसे देने हैं, उसमें आपको जनरल पब्लिक कॉमन मैन उनकी रिहैबिलिटेशन करना है। ये हालात है स्टेट के, और स्टेट और स्टेट का प्रशासन इन बातों को लेकर के कहीं भी गंभीरता से नजर नहीं आता। आपने हमने सबने टीवी में देखा है कि किस तरह से एक राज्य का एक मंत्री सेल्फी बाढ़ ग्रस्तों को मदद के लिए जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, वह हंसते खेलते सेल्फी का नजारा आपको हमको देखने मिला है। ऐसे कई हादसे और किस्से आप लोग अगर न्यूज चैनल और टीवी को देखते होंगे तो उसमें आपको नजर आएगा। आज वहां बच्चे, माएं, औरतें, बूढ़े, आप समझ लीजिए कि आज 10 दिन 12 दिन होने को आए हैं, लोग ऊपर टेरेसों पे रह रहे हैं, दूसरे माले पे रह रहे हैं, नीचे पीने का पानी नहीं है। इतनी भारी भक्कम समस्या इस राज्य के अंदर है, केरला और कर्नाटका की दिशा ही खराब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। क्यों चुप्पी साधे बैठी है? क्योंकि इनके पास इकोनॉमिकल जो फॉल हुआ है उसके लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। और ये सारे राज्य, देश के 9 राज्य, जब तक के आर्थिक मदद लाखों लाखों करोड़ों में नहीं की जाएगी, तब तक कि ये राज्य फिर से एक बार खड़े होने में मुश्किल पाएंगे। आपने इस शहर के अंदर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य का काम किया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कैश कल हम लोग मुख्यमंत्री को मिले हैं, विरोधी पक्ष नेता, पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्सीएम, सीएलपी लीडर, वर्किंग प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री को मिल करके निवेदन सादर किया है, सारी समस्या उनके सामने रखी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पैसों की। आपको हमको जरूरी है कि हम फिर से
इस चीज का लोगों के पास जा करके नकद पैसे हम जमा करें ताकि इस सरकार के राहत कार्य में उस निधि को दिया जाए। ये शहर के अंदर की सत्ताधारी कितना गंभीर है पूर्वग्रस्त को लेकर के, वो आपने टीवी पे और पेपरों में भी देखा होगा कि नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है भाइयों का कजरी महोत्सव के नाम से। इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, बाद में किया जा सकता है, मगर पूर्वग्रस्त को लेकर के इनको वो सीरियसनेस नहीं है। जब आपके हमारे शहर में का एक मेजर ने अपने इस देश के लिए अपने जान अपने प्राण की आहुति दी और जब उसकी अंतिम यात्रा होने वाली थी तो उस रात को वो भी टीवी पर आपने देखा कि किस तरह से बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो यहाँ की जो बीजेपी पार्टी है उनके नेता है उस देश के और देश के नागरिक और देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले लोगों के लिए कितने सीरियस है ये लोग देख चुके हैं। आज भी कांग्रेस और अभी बाकी के सारी पार्टियों ने ये विनंती करी है, निवेदन किया है कि जो मेयर्स मैराथन आप कर रहे हैं जिसमें आप 65 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, तो ये जो भी पैसे आपने जमा किए हैं और म्यूनसिपैलिटी खर्च करने वाली है इसको आप राहत कार्य में पूर्वग्रस्त के लिए आप इसे दान करें। इसको इस तरह से महापालिका में भी और आयुक्त को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी नगर सेवकों ने सभी लोगों ने बताया है, मगर मुझे लगता नहीं है कि इनके इस बात का कोई फर्क पड़ेगा और ये फिर से उसी तरह से करेंगे जिस तरह से कस्तुभ राणे के अंतिम यात्रा के दिन इन्होंने जो काल इस शहर में किया था। अपना जो नजरिया है, अपना जो व्यवहार है, अपनी जो सोच है, बर्थडे सेलिब्रेशन करके कजरी महोत्सव सेलिब्रेट करके ऐसा किया था, हम इसकी निंदा करते हैं और आज के दिन की फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।